हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज के दिन हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आप लोग छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं यानी छत्तीसगढ़ से हैं, तो आप लोगों को ऑनलाइन ई पास, कर्फ्यू पास जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कैसे मिलेगा फ्री में ऑनलाइन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप लोगों को ई पास कैसे मिलेगा। आप लोगों को मैं जस्ट शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दूंगा और आप लोग समझ जाएंगे और आप लोग इजीली ई पास के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे। चैनल पर पहली बार आए हैं एंड लर्न टेक पर, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे पर दबा के टैंक और ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी नई और लेटेस्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले आपके मोबाइल में। दोस्तों, इस वेबसाइट के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, जब आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आप लोग कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताया गया है कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे मिलेगा और ये किन लोगों को दिया जाएगा। चलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूँ। ये ज्यादातर तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कंपनी में काम करते हैं, या समझ लीजिए जैसे कि कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है या एम्प्लॉयज हैं किसी कंपनी के, तो उनको सिर्फ ये दिया जाएगा। और समझ लीजिए इसका कोई गलत यूज करेगा, या ये जो चार लाइन है हिंदी इंग्लिश में लिखा गया है, इसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर समझ लीजिए इसका कोई गलत यूज करने के लिए ई पास लेता है तो उसको जेल भी हो सकती है, यानी कि किसी भी प्रकार का सजा भी हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही ई पास को अप्लाई करें, यानी कि सही इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, जो कि सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ कोविड-19 ई पास है, जो कि बहुत ही छत्तीसगढ़ का ये बहुत ही अभी इसको डाउनलोड किया जा चुका है, ये छत्तीसगढ़ जो राज्य में रहते हैं उन लोगों के द्वारा। और ये अभी इसमें बहुत सारी फैसिलिटी दे दी गई है, जिससे आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से ई पास को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे, आप लोगों को मैं अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जिससे आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम समस्या नहीं आएगी। देखिए, जो ये जो एप्लीकेशन है वो छत्तीसगढ़ प्रशासन की तरफ से लागू किया गया है, यानी कि ये एप्लीकेशन जो है उन लोगों की तरफ से बना है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे जो भी डाटा देंगे वो खतरे में है, पूरा का पूरा सेफ और सुरक्षित आपका डाटा रहेगा, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट के पास रहेगा। उसके बाद जब आप लोग ई पास के लिए अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को कुछ सवाल पूछा जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन सवाल पूछे गया है, जिसको अभी यहाँ पे जवाब देना जरूरी है। अगर आप लोग इन सब प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं तो आप लोगों को ई पास कभी बन भी नहीं पाएगा और आप लोगों को ई पास कभी मिल भी नहीं पाएगा। यहाँ पे देख रहे हो तो यात्रा का प्रकार आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि आप लोग ये जो ये ई पास ले रहे हैं वो किस लिए है। अब जैसे कि समझ लीजिए छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य में जाने हेतु आप लोगों को ई पास चाहिए, पहले वाले पे टिक रहने दीजिए, या छत्तीसगढ़ के अंदर ही अगर आप लोग इस ई पास का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन दो ऑप्शन का सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग समझ लीजिए किसी और रीजन से आप लोगों को ई पास चाहिए तो आप लोग ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है, यात्रा के विवरण ट्रैवल डिटेल्स, यानी कि समझ लीजिए जो कुछ भी अगर आप लोग समझ लीजिए यात्रा करना चाहते हैं तो कहाँ से कहाँ तक का, यानी कि समझ लीजिए अगर आप लोग छत्तीसगढ़ से यूपी जाना चाहते हैं तो आप लोगों को लिखना होगा छत्तीसगढ़ का मेन एड्रेस देना होगा, और फिर आप लोगों को जहाँ पर जाना है वहाँ का भी मेन एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, डेट के साथ में और टाइम के साथ में, वो सब आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दे दिया जाएगा इसमें आप लोग जब स्क्रॉल करेंगे तब। उसके बाद देख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, आप लोगों को ये पिक करना है, फिर ओके पे क्लिक कर दे। इसको आपको पढ़ना भी है, सिर्फ आपको इस पे क्लिक करना है, पिक करना है, ओके करना नहीं है, तो आप लोगों को पढ़ना भी है, क्योंकि इसमें जो चीजें बताई गई है वो आप लोगों के लिए ही है। उसके बाद अब समझ लीजिए जब आप लोग दो तीन इन्फॉर्मेशन जब आप लोग भर देंगे तो आप लोगों को आपका जिला पूछा जाएगा, आप किस शहर में रहते हो वो पूछा जाएगा, क्षेत्र क्या है वो जहाँ से आप लोग रहते हैं वो आप लोगों को डालना होगा, आपका पूरा नाम डालना होगा, आपका पता, आपका जो भी जैसे कि समझ लीजिए जो आप लोगों का नाम होगा या कुछ भी जो भी आपके आपके हिसाब से जो कुछ आप लोगों का होगा वो आप लोगों को यहाँ पे डालना होगा, आप लोगों को बताना होगा कि मैं दुकानदार हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लोगों को यहाँ पे बताना होगा, तभी आप लोगों को ई पास मिलने में आसानी से आप लोगों को ई पास दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि मुश्किलों के सामने नहीं करना पड़ेगी, यानी कि अगर आप लोग कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो आप लोगों को ई पास नहीं मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग जो बताएंगे वो आप लोगों को सही से ही बताना है। उसके बाद आप लोगों को अगर ये सब कुछ जानकारी अगर गवर्नमेंट को सही लगता है, आप लोगों ने जो जानकारी दिया है तो वो सब सही होने के बाद आप लोगों को ई पास आईडी मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर देख रहे हो तो यहाँ पे फोटो में बताया गया है कि आप लोगों को कुछ इस प्रकार का ई पास आईडी मिलेगा, यहाँ पर देख रहे हो तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, और जो मेन ई पास का जो पासपोर्ट होगा वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, यानी कि ये जो ई पास का जो पूरा लुक होगा कुछ इस प्रकार का होगा छत्तीसगढ़ ई पास। यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये सब ऑप्शन दिया गया है इस एप्लीकेशन में।
उसके बाद वेरीफाई करते टाइम पे आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताना होगा कि आपका गाड़ी नंबर क्या है, गाड़ी का नंबर, वो सब कुछ डालना होगा, जिससे आप लोगों को इजीली यानी कि जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट के पास जाए, वो लोग आप लोगों की यानी कि जो कुछ भी आपका इन्फॉर्मेशन होगा वो उससे के जरिए आप लोगों को ई पास दिया जाएगा। तो वो सब आप लोगों को जानकारी देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखेंगे तो QR कोड द्वारा भी आप लोग जांच सकते हैं, यानी कि चेक किया जा सकता है, या गाड़ी के नंबर द्वारा भी आपका जो ई पास होगा उसको पता किया जा सकता है। तो ये सब आप लोगों को जानकारी सही सही भर देना है। अब लास्ट में बस इतना ही है कि अगर समझ लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य के जैसे कि समझ लीजिए किसी चीज में डोनेट करना चाहते हैं कुछ रुपए, तो आप लोग ये जो पहला ऑप्शन होगा मुख्यमंत्री राहत कोच में दान करें, इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की हेल्प चाहिए इस एप्लीकेशन से रिलेटेड या किसी समस्या से रिलेटेड, यानी कि इसी COVID-19 के जरिए, यानी कि ये जो COVID-19 जो चल रहा है इसके हिसाब से समझिए जैसे कि कुछ भी समस्या है या ये फॉर्म फिलअप करने में कुछ समस्या आ रहा है, तो आप लोग संपर्क जारी करेंगे, ये जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए फीडबैक देना चाहते हैं कि कैसा लगा ये एप्लीकेशन, कैसे उसको बताना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कीजिए। अब समझ लीजिए जैसे कि समझ लीजिए आप लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ से अप्लाई करना होगा। तो इजीली ये सब ये एप्लीकेशन जो है इसमें आप लोगों को अच्छी खासी सुविधा दी गई है, तो इसका यूज़ कीजिए। अगर अभी भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में ये बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, जिससे आप लोगों को और भी ज़्यादा हेल्प हो सके मेरी नेक्स्ट वीडियो से, जिससे आप लोगों को अगर कमेंट करके बोलेंगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, और अच्छे से पूरा मोबाइल के जरिए बताऊँगा कि आप लोग कैसे लॉगिन साइनअप सब कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि इससे भी खास होने वाला है।